दूर रहते सबसे, और यदि किसी को पकड़ लेना बीच में नहीं छोड़ते, पार करके ही छोड़ते हैं। हम पे तो पकड़वो ही आवे, छोड़वो तो आवे ना आए। सुखदेव जी कहते परीक्षित, भगवान पूतना को लेके उड़ गए। कोई कहता पूतना भगवान को लेके उड़ गई? अरे पूतना क्या लेके उड़ेगी, जो तीनों लोगों को अपने पंजे में दबोच के रखता है उसको पूतना क्या लेके उड़ेगी। भगवान ने सोचा पूतना 7 कोस की लंबी चूड़ी है, यानी 21 किलोमीटर की, नंद महल में गिरेगी तो महल का क्या होगा, और इतनी बड़ी को जलाने के लिए ईंधन भी तो चाहिए, लकड़ियां भी तो चाहिए, वो हम खर्च क्यों करें। कंस की पूतना तो उसी का ईंधन लगना चाहिए, इसलिए पूतना को लेके उड़ गए। और कहां पटका? कंस के बगीचे में। और जब बगीचे में पटका ना, पूरा बगीचा चकना चूर हो गया। फिर ये ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, सीढ़ी लगाई पूतना की छाती पे, क्योंकि 7 कोस की लंबी चौड़ी थी, सीढ़ी लगा करके चढ़े छाती पे उसकी, और कन्हैया को छाती के ऊपर से नीचे लेकर के आए। ये जो ब्रज की बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं ना, बड़ी ममता है इनके अंदर, सब नजरें उतारने लगी कन्हैया की। और कैसे नजर उतार रही? एक मैया ने क्या किया, काली गाय की पूंछ पकड़ी और पूंछ से झाड़ा लगाने लगी। हे नारायण हमारे लाला की नजर उतर जाए, हे केशव हमारे लाला की नजर उतर जाए, हे माधव हमारे लाला की नजर उतर जाए। और कन्हैया मुस्कुरा रहे, हुआ मेरा ही नाम और मेरे ही झाड़ा लग रहा है, कितनी भोली है ये। आज यशोदा मैया ने कन्हैया के आंखों में काजल डाला है, कान के पीछे काला टीका लगाया किसी की नजर ना लगे इसके, और अपने हाथों के झूले में लेकर के झुलाने लग गई हैं। और ये सारी ब्रज गोपियां एक एक करके कन्हैया की नजर उतारने लगी हैं। तो आ जाओ हम भी कन्हैया को हाथों के झूले